अकाली दल के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने एनसीपी के चीफ राकेश अस्थाना से मुलाकात की है। इन्होंने राकेश अस्थाना साहब के साथ सिर्फ मुलाकात ही नहीं की है, बल्कि करण जौहर सहित बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का नाम बताया है और ये शिकायत दर्ज कराई है कि इन सभी की जाँच पड़ताल की जाए इस बारे में कि ये लोग अपने घरों पर ड्रगों की पार्टी कैसे करते हैं, ड्रग कहाँ से लाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने एनसीपी चीफ को कुछ सबूत भी सौंपे हैं जिसके मुताबिक करण जौहर के घर पर ड्रग पार्टी हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि शाहिद कपूर उड़ता पंजाब में पूरी दुनिया के सामने सिख युवाओं को नशेड़ी बताते हैं, लेकिन सच्चाई उड़ता बॉलीवुड है। इस तरह की बातें अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो है राकेश अस्थाना के समक्ष रखी है। इसके अलावा बी टाउन के बड़े लोगों के नाम भी उन्होंने जाहिर किया है। हालांकि करण जौहर के अलावा दूसरे वो कौन से नाम हैं, वो उन नामों का जिक्र मनजिंदर सिंह सिरसा ने नहीं किया है, लेकिन अगर एनसीपी चीफ राकेश अस्थाना ने इन सारी चीज़ों पर कठोरता से अपनी आंखें गड़ा ली तो वो दिन दूर नहीं है जब करण जौहर को भी एनसीबी में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। गौरतलब है कि ड्रग का एंगल अब बहुत बड़े लेवल पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में उभर कर आया है और इसी वजह से रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती सहित उनके साथी इस वक्त भाई खल्ला जेल में हैं। और खबर ये भी है कि सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह का नाम रिया चक्रवर्ती ने ले लिया है, जिन्हें कल एनसीबी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। दोस्तों, क्या ज़्यादा अपडेट होगी वो हम आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप अपनी बातें कुछ कहना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखें और हमारे साथ हमेशा बने रहें।